जाके खा रही है, कहते हैं ना भागना, वो भाग गया नहीं, कोई नहीं पकड़ लेंगे इसको, कितना नहीं भागेगा। ओह पीछे वो भी आ गई भागती। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सुबह सुबह का टाइम है 5:15 का और मैंने सोचा जी आज ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। कल अभी मैं लेके आया था, जैसा कि आपने देखा बकरा ने यहाँ छतरा, सो मैंने कहा चलते हैं उसको ज़रा पट्ठे वगैरह डालते हैं काट के। फिर मैंने सोचा क्यों ना उसको प्लॉट में ही ले जाए, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा वैरायटी है, जो दिल करे उसका वो खाएगा। मस्त प्लान है जी। मैं इस टाइम आ गया ऊपर, ये देखें इसकी माशाल्लाह फुल लुक देख लें, इसकी कर दी है कटिंग, अब जरा साफ सा हो गया है, मगर अभी काफ़ी ये गंदा सा है, गजब बेइज्जती है। बाकी माशाल्लाह इसको अभी लेके चलते हैं नीचे प्लॉट में, प्लॉट में जाके छोड़ते हैं, मगर बादल काफ़ी बना हुआ है, कोई पता नहीं बारिश हो गया। हाँ क्या बोल रहा है, ये देखें जी इसको मैंने सलाम करना चाहिए, सलाम कर, जलील ही कर रही, रुको जरा सबर करो। लोगों के जानवर जी चार बंदों में खड़े होकर उनका तारुफ कराते हैं, हमारे जानवर ऐसे होते हैं चार बंदों में बैठ कर जलील करवाते हैं। हाँ चलें, वो बकरी बैठी है, तू बच्चे बैठी रह, बैठी रह, बैठी रह, इसको भी लेके चलते हैं नीचे, इन दोनों को मैं खोल के नीचे ले जाने लगा हूँ और ले जाके ना बाहर प्लॉट में छोड़ दूँ। चल आ जाओ, चल आ जाओ, आजो आजो, तू भी नीचे आ जा। ये थोड़ी सही तरह चली जाती है, ये ईद के दिनों में भी नीचे जाती रही थी। चल चल तू भी आ जा, आ जा, ये भी चल पड़ा, आ गया पीछे पीछे, चल भागो भागो भागो, स्लाइड स्लाइड, शाबाश भागो, स्लाइड है स्लाइड। इनको जी मैं ले गई नीचे, आ गए देखे मेरे पीछे पीछे मेरी टीम आ रही है, वो बोलता ही आ रहा है, इनको भी इधर प्लॉट में छोड़ देते हैं, बल्कि उधर अगले वाले प्लॉट में छोड़ते हैं, उधर भी घास ज़्यादा है। आजो आजो, वो छोटा सा पीछे पीछे भागता आ रहा है, आगे आगे इसको रस्सी डाल ली है, ये ज़्यादा तंग करती है। आ जा भाग के, आ भाग के, बहुत मार पड़ेगी वरना। इनको इधर प्लॉट में छोड़ देते हैं, घास ही घास है। जय याश करें, याशी करें, क्या याद करेंगे हमारा मालिक कौन था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। वो नीचे आ गए जी, सोसाइटी के पट्ठे खा रही है पौधे, इसने जलील करवाना है मुझे। लोग जानवर रखते हैं, मैंने आपको बताया, वो मालिक का तारुफ कराते हैं, ये हमने जानवर रखे हैं, ये हमें जलील करवाते हैं, बस इन्होंने ना पक्का हमें जलील कराने का इरादा किया हुआ है। और वो माशाल्लाह सही है, घास घूस खा रहा है, इस तरह माशाल्लाह इंशाल्लाह थोड़े टाइम में ही ना अच्छे सेहतमंद हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे जानवर। चली जा तू भी उधर, चली जा उधर, हाँ उसके साथ जाके, बहुत मार पड़ेगी अगर इधर। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। इसको मैंने जी यहाँ से कोई तीसरी दफा भगाया और ये फिर यहीं पे आके यही वाला पौधा खा रही है इसको। इनको असल में जी नीचे लाने का मकसद यही था कि थोड़ा सा ना इनका भी दिल वगैरह हो जाता है, बहल जाता है, बाहर आके ज़रा पट्ठे पुट्ठे खा के ना खुश हो जाते हैं, मगर इसने तब से मेरा जीना हराम किया हुआ है, तेरा मैं की करां, इसका क्या करूं मैं, तब से इसने तंग किया हुआ, इधर आ जाती है बार बार आके, पौधा खाती, मैं कब खा ले जितना का, थोड़ा सा है वो पहले ही ईद का लोग जानवरों वगैरह ने खा लिया हुआ है, और वो माशाल्लाह जी सही तरह से अंदर घास में लगा हुआ, वो घास ही खा रहा है, वो भी कमज़ोर भी है, अभी नया नया आया, उसको 2-3 दिन हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह वो भी सेहत में आ जाएगा। वो कभी अपने आप को ख़ारिश करने लग जाता है, कभी पट्ठे खाता है, उसकी समझ नहीं आ रही वो कर क्या रहा है, और इसने बड़ा तंग किया हुआ है तब से मुझे, मैं एंड पे आके मैं आ गया, मैं कहा चल खा ले कोई मसला नहीं, इतनी हम इसकी खिदमत करते हैं फिर भी ये बाहर आके हमें ऐसे ही तंग करती है, अब क्या करें हम इसका। सुबह सुबह का टाइम है और जिन्होंने मुझे तंग किया हुआ वो लोगों की क्यारियों में घुस गई। चल उधर प्लॉट में चल, तुझे जो मस्ती चढ़ी हुई है ना तेरी मस्ती निकाल देनी है, वो लोगों की क्यारियों में भाग जाती है बार बार, सारा घास छोड़ के, वो कहते नहीं वो एक मक्खी होती है सारे शहर की सफाई छोड़ के वो जाके गंदगी पे बैठती है, वो चीज़ें हैं, पूरे जान का घास छोड़ के गंद पे जाके उधर लोगों की क्यारियों में जाके ना वहाँ से खाते हैं। वो एक भैया आ गए सुबह सुबह घास काटने,
लोगों ने जिन्होंने जानवर वगैरह रखे हुए हैं वहाँ, यहाँ से घास काट के ले जाते हैं और हम इसकी कदर ही नहीं करते घास की। बकरियाँ वगैरह को सामने घास में छोड़ा हुआ है और सामने ही है पार्क। मैं कहा क्यों ना पार्क में चल के थोड़े झूले ले लिए जाएं। शाबाश बेटा, इस पे बैठते हैं जी एलिफेंट पे। सुबह सुबह का टाइम है, एलिफेंट पे बैठ के झूले लेते हैं। सही है, ये देखें जी मेरी हैवी बाइक है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर जी। इससे पहले गार्ड आके मुझे कहें कि क्या काम पकड़े हैं तुमने, पहले इज्जत से बाहर निकल जाते हैं। आए जी, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, वो देखें, वो हमारा कौमी झंडा है। इसको देख के एक ना सुबह सुबह वो पोइम याद आ गई है। ये हमारा प्यारा कौमी झंडा है जिसमें एक डंडा है। कैसी लगी मेरी पोइम को? इसको पता नहीं क्या हो गया जी, सुबह सुबह मेरे से अकड़ गया। मैं इसको कह रहा हूँ अंदर जाके खा, और ये कहता है ना भागना, वो भाग गया जी। कोई नहीं, पकड़ लेंगे इसको, कितना भी भागेगा। ओह पीछे वो भी आ गई भागती हुई। सुबह सुबह इन्होंने मेरी अच्छी एक्सरसाइज करा दी है। चलो वापसी, चल पट्टी पकड़ लिया मैंने, चल आ जाए वापसी, चली जा चली जा। वेले उसी दे ही भाग गए, वो आगे पे लड़का आ रहा है उसके पीछे भागते। चलो इनका भी कोई हाल नहीं। सामने वाले प्लॉट का जी, इनको घास नहीं पसंद आया, वहाँ से भाग के ये यहाँ पे आ गए हैं। मैं कहा चलो कोई नहीं, यहाँ पे खा लो, बाप का माल समझ के खाओ सारे प्लॉट ही अपने, जब तक सोसाइटी में यहाँ पे घर नहीं बनेंगे अपना ही है सारा घास। सही है कि नहीं? बाकी इनको पता नहीं फिर यहाँ से निकल के इन्होंने किधर भागना। वो सामने वाला प्लॉट है, वहाँ भैंस है, वहाँ पे भैंस ने इनको मारना है। चले कोई नहीं, खाएं जितनी देर यहाँ खाते हैं, इनको इज्जत नहीं रास, इनको वापसी ना एंड पे ले जाना घर ही पड़ना है। घर पे जाके इनको सुखी तूड़ी जब डाली ना फिर ये सेट हो जाएंगे। फिलहाल इधर खा तो रहे हैं इंसानों की तरह, ओ जानवरों की तरह, सॉरी खत्म। सुबह सुबह का टाइम है और जिन्होंने मुझे बहुत थका दी है, और अब इधर आके ना आराम से मजे से पट्टे खा रहे हैं। बाकी व्यू चेक करें सामने, सूरज इस टाइम निकल रहा है और मैं इनको सुबह सुबह लेके आ गया हूँ प्लॉट में। वो आगे वहाँ पे खड़ा होकर घास अब खा रहा है सुकून से। पहले उसको पता नहीं एकदम क्या हुआ, वहाँ से प्लॉट से निकलते साथ ही उसने दौड़ लगा दी। मैं क्या खैर हो, वो भी नया नया आया वैसे ही घबराया हुआ है। बाकी ये भी माशाल्लाह खा रहे हैं। हाँ जी, हैं हाँ, मैं क्या सुबह सुबह छोड़े बाहर। गुज्जर साहब कहते हैं बकरियां ले ले रख ले हैं तू, मैं कहा हाँ रख ली है, मैं क्या सुबह सुबह छोड़े हैं बाहर टाउन में। अपने सारों को पता है कि सिर्फ इधर यहाँ पे जानवर मैंने ही रखे हुए हैं, हमारी गली पूरी में ब्लॉक में हम नहीं रखे हुए हैं, बल्कि आगे पीछे भी और किसी ने रखे हुए, पूरे टाउन में आपका भाई डॉन है, मैंने रखे हुए हैं बस, और किसी की इतनी जरूरत नहीं। वरना वो सामने वालों ने, उन्होंने भैंस रखी हुई है वो दूध के लिए, हमने शौक किया हुआ है, वो तो माशाल्लाह कुर्बानी के लिए है। और अल्लाह खैर करे अभी इंशाल्लाह उसको सेहतमंद करेंगे। इन्होंने जी आज बहुत तंग किया हुआ मुझे, अब वहाँ से उस प्लॉट से अगले वाले से जिधर गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ से भाग के दोबारा इधर आ गए हैं। सुबह से इन्होंने मुझे ना पीछे पीछे लगाया हुआ है, वहाँ कभी भाग के वहाँ पे चला जाता हूँ, कभी भाग के यहाँ पे आ जाता हूँ जिधर ये इनके पीछे पीछे मैं। अब मैंने फट्टी पकड़ ली है, वो जमीन पर ज़ोर से मारता हूँ ना फिर डर के भागते हैं। अब यहाँ से इनको मैंने जाने देना, अब यहाँ से इनकी डायरेक्ट फ्लाइट होनी है घर की। सही है कि नहीं? सीधा इनको छत पर लैंड करवाना है। और अभी तो रुको, फाइनली जी इनको मैं अब लेके जा रहा हूँ घर। इन्होंने बहुत आज तंग कर दिया, पसीने से मेरी बुरी हालत हो रही है, और ये देखें इनको कैसे पकड़ा हुआ, वो उधर भाग जाते आगे रोड पे, और ये जो है ये वैसे ही तंग करी जा रही सुबह की, बड़ा इन्होंने तंग किया। अब इनको ले चलते हैं घर, मिलते हैं आपको घर पहुँच के, क्योंकि अभी फिलहाल मोबाइल नहीं पकड़ा जाना वीडियो के लिए, जैसे इनको मैंने पकड़ा हुआ है चलते हैं फिर घर, घर चल के मिलते हैं आप। हम हो गए यार, मेरी जिंदगी की सी करना की आ गया, मैं थोड़ा अपने परेशान परेशान जिंदगी कर लाते। फाइनली जी मैं इनको लेके आ गया हूँ घर, और घर ला के मैंने छत पे इनको छोड़ दिया और पंखे के आगे बैठा हूँ, फुल स्टेम में गीला आया हूँ पसीने से। बाकी आप जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।